प्लस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। छिंदवाड़ा में पिता पुत्र कमलनाथ नकुलनाथ आगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ रही है। संसदीय क्षेत्र से जहां नकुलनाथ आगे चल रहे हैं, वही विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री कमलनाथ बढ़त बनाए हुए हैं। राज्य के 29 संसदीय क्षेत्रों में सुबह 8 बजे डाक मत पत्रों से मतगणना के दौर शुरू हुआ है। शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस के सभी दिग्गज दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, मीनाक्षी नटराजन आदि पीछे चल रहे हैं। एक अच्छी खबर सिर्फ छिंदवाड़ा से कांग्रेस के लिए आ रही है। जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार नकुलनाथ दूसरा चक्र पूरा होने पर भाजपा उम्मीदवार नाथन शाह ने 5,000 वोटों की बढ़त बनाते हुए विधानसभा के उपचुनाव में मुख्यमंत्री कमलनाथ भाजपा उम्मीदवार विवेक साहू से 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने बनाई बढ़त। आप तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीट पर भाजपा आगे चल रही है, तो कांग्रेस और ना ही आम आदमी पार्टी किसी भी सीट से आगे है। दिल्ली से सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के 5 उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस 5 सीट पर 2 नंबर पर रहकर अच्छी फाइट दे रही है। पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर चुनावी मैदान में है और वह फिलहाल आगे चल रहे हैं। दक्षिण दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा 30,755 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पूर्वी दिल्ली से आतिशी लगातार तीसरे नंबर पर चल रही है, जबकि उत्तर पश्चिम दिल्ली से हंसराज हंस 46,379 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। शीला दीक्षित यहां से दूसरे नंबर पर चल रही है। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे भी तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। चांदनी चौक लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के नेता पंकज गुप्ता तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। इस सीट से बीजेपी के हर्षवर्धन पहले नंबर पर है। राहुल गांधी वायनाड सीट पर 58,000 वोटों से आगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट पर 12.20% मतगणना होने के बाद अपने प्रतिद्वंद्वी से 58,000 मतों से आगे चल रहे हैं। जहां राहुल गांधी 90,000 मतों के करीब पहुंच गए हैं, वहीं उनके करीबी प्रतिद्वंद्वी वाम प्रत्याशी पीपी सुनीर को सिर्फ 30,000 वोट मिले हैं। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।